तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और मेरे तो ससुर जी भी नहीं है और सास भी नहीं है। तो भैया 15 दिन सोचती हूँ कि गुस्सा ना करूँ ना करूँ ना करूँ, पर ये घर वाले मुझे गुस्से पे कर देते हैं, मेरा कंट्रोल आउट ऑफ हो जाता है। और भैया पितृपक्ष चल रहे, शांतिपूर्वक सोचती हूँ कि हर काम पूजा पाठ वाले टाइम, पर ये लोग मुझे क्रोध दिला देते हैं। मैंने अपनी क्रोध में जीत नहीं पा, मैंने पूजा करी पाठ करी पर अपने क्रोध को जीत नहीं पाई। आज मैं जा रही थी तो दहीले ने एक पहाड़ी औरत कह रही, अरे कैसा कर दिया तूने मुंह इतना गंदा। मैंने कहा यार अब मेकअप करने को दिल ही नहीं करता था। जब नई नई शादी हुई थी तो दुनिया भर का मेकअप, एक से बढ़कर एक, साड़ी, फेस के लिए अलग क्रीम, मुंह धोने के लिए अलग क्रीम, पाउडर छड़कने के लिए अलग, और अब कुछ मन नहीं करता कुछ भी कि मैं कुछ मेकअप सेकअप कर लूं। गृहस्थी में ऐसा फंस जाता है ना इंसान। और आदमी को चाहिए सुंदर वाइफ, और औरत की यह हालत होती है ना जो आदमी की वजह से होती है, आदमी उसे टेंशन दे देता बहुत ज़्यादा। इतनी परेशानियों में, इतने व्यवहार पति का अगर ख़राब भी हो तो भी पत्नी उसके साथ जीवन काट लेती है। मैंने भी ऐसी करा, मैंने 25-26 साल अपने पति के साथ काट लिए, लेकिन उसके व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जोर जोर की फालतू बोलना, जोर जोर की गलत व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार है।